नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ मोहित सोनी। आप देख रहे हैं थ्रस्टजोन डॉट कॉम और आज आपके सामने खड़ी है सबसे हाईएस्ट सेलिंग स्कूटर पूरी इंडियन मार्केट में। इसे कोई इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपके पास ऑलरेडी ये स्कूटर गैराज में या आ चुका है या अभी है या फिर पहले कभी रह चुका है। ये है एक्टिवा 110 cc। इसे BS6 कर दिया गया है क्योंकि अप्रैल 2020 से हर इंजन को BS6 होना बहुत ज़रूरी है। होंडा ने काम बहुत सीरियसली लिया है। होंडा एक्टिवा 110 सीसी का जो स्कूटर है उसे BS6 कर दिया गया है और उसमें बहुत सारे बदलाव किए गए हैं। ये एक छोटी सी चीज़ नहीं है, एक बहुत बड़ा बदलाव है जो होंडा ने किया है। इसके कॉम्पिटिटर्स जैसे कि यामाहा ने तो 110 सीसी से बैकआउट ही कर लिया एंटायरली, पर ये एक स्कूटर है जो 2 लाख यूनिट हर महीने बिकता है। और अभी तक होंडा ने 2 करोड़ से भी ज़्यादा यूनिट्स होंडा एक्टिवा 110 के बेच चुका है। तो इसे बहुत ज़रूरी था कि एक्टिवा 110 को भी BS6 किया जाए, भले ही प्राइसिंग थोड़ी बढ़ क्यों ना जाए, क्योंकि ये इंडिया का फेवरेट स्कूटर है, इसे चलते रहना चाहिए। इसीलिए जैसे कि आप देख सकते हैं अभी इसका फ्रंट के डिज़ाइन में जो आगे का फ्रंट पैनल है उसमें ज़्यादा बदलाव नहीं है। ओवरऑल डिज़ाइन भी देखा जाए तो ज़्यादा कुछ बदलाव नहीं है, छोटी मोटी चीज़ों में बदलाव किया गया है जो एक्टिवा 5G और 6G में आपको फ़र्क दिखाई देगा, पर छोटी छोटी चीज़ों में, ना ही कि हेडलाइट चेंज किया गया, ऐसा कुछ चेंज नहीं किया गया है। पर सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात यह है कि फ्रंट एप्रिल है जहाँ पर आपको वेंट्स दिख रहे हैं वो थोड़े से चेंज किए गए हैं। साथ ही साथ जो साइड पैनल है वहाँ पे पहले एक होल हुआ करता था, अभी उसको वहाँ पे 2 होल कर दिए गए हैं, इसे वेंट्स भी कह सकते हैं, तो वो कर दिया गया है। हेडलाइट इसका सेम है, मिरर इसके सेम है, ब्रेक लीवर सेम है, इंडिकेटर की टर्न इंडिकेटर की पोजीशनिंग सेम है। पीछे की अगर आप टेल लैम्प देखेंगे तो उसमें है ना अभी एक्टिवा 125 जैसा आपको लुक मिलेगा। पहले जो एक्टिवा 110 का जो हेडलाइट टेल लैम्प था वो थोड़ा काफ़ी बड़ा था पर अब और एक स्क्वायरिश शेप में था। अभी इसे थोड़ा एक्टिवा 125 से मिलता जुलता कर दिया गया है जिससे कि आपको 5G और 6G में फ़र्क जो है आप आसानी से देख पाएंगे कि ये एक एक्टिवा 5G है और ये एक 6G है। तो अगर होंडा ने इससे कॉस्मेटिक ज़्यादा बदलाव नहीं किया है पर इसकी जो मैकेनिकल चेंजेस हैं वो बहुत ही बढ़िया हैं। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है उसे भी एक अच्छा कर दिया गया है और मैकेनिकल चेंजेस थे तो मैं आपको इंजन के बारे में सब बताऊंगा। पर आप जैसे कि देख सकते हैं सीट खोलने के लिए बटन दिया गया है, फ्यूल लिड खोलने के लिए बटन दिया गया है, स्टोरेज थोड़ी सी बढ़ गई है, एक्सटर्नल फ्यूल फिलर कैप आ चुका है जो काफ़ी बढ़िया है, एक्टिवा 125 में भी हमें देखने को मिला। और इसके अलावा फुटबोर्ड जो है बड़ा कर दिया गया है और एग्जॉस्ट अभी भी वैसा का वैसा ही है, एक स्क्वायर कलर का एग्जॉस्ट, स्क्वायर शेप का एग्जॉस्ट है जो साइड में अच्छे से चिटका दिया गया है। आपको इंजन स्टार्ट स्टॉप मिल रहा है, इंजन किल स्विच मिल रहा है जो बहुत बड़ी बात है और साथ ही साथ बाकी के सब बटन सेम हैं। अंडर सीट स्टोरेज जैसे मैंने आपको बताया ठीक ठाक है और आपको अभी एक नया इंजन मिलता है जिसमें बहुत कुछ नया है। 110 सीसी का इंजन है, कार्बोरेटर निकाल दिया गया है, फ्यूल इंजेक्शन डाल दिया गया है, एक नया स्टाइल एंड स्टार्टर मोटर डाला गया है जो एक ही बारी बटन दबाने से स्टार्ट हो जाता है और साथ ही साथ वो ज़्यादा खटखटाता नहीं है चालू होते टाइम। तो ये एक फेदर टच स्टार्ट है, इसे होंडा कहता है एक साइलेंट रेवोल्यूशन क्योंकि बटन दबाएंगे स्कूटर स्टार्ट हो जाएगी और आपको पता भी नहीं चलेगा, इतना स्मूथ इतना साइलेंट वो फीचर है। साथ ही साथ इसे होंडा इको टेक्नोलॉजी दी गई है जिससे कि आप इंजन की फ्रिक्शन कम कर दी गई है, माइलेज बढ़ा दी गई है, पावर में एक एकदम ना के बराबर ड्रॉप हुआ है जिससे आपको कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा और टॉर्क का भी वही हिसाब है। तो 7.7 PS का पावर है और आपको टॉर्क भी लगभग उतना ही मिल रहा है इस गाड़ी में जितना आपको पहले मिलता था। ये एक 2 वैल्व इंजन है, अभी भी 4 वैल्व इंजन नहीं है और अब इसकी एमिशंस कम हो गई है, इसकी फ्यूल इकोनॉमी बढ़ गई है और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली फ्रंट सस्पेंशन जो हम सब
क्रिटिसाइज करते थे, कहते थे कि फ्रंट सस्पेंशन प्लीज़ चेंज कीजिए होंडा का। फाइनली उन्होंने एक टेलीस्कोपिक फोक दे दिया है, वो लिंक टाइप सस्पेंशन जो कम से कम 25-30 साल पुरानी टेक्नोलॉजी थी वो निकाल के टेलीस्कोपिक फोक दे दिए गए हैं। डायमीटर थोड़ा कम है एक्टिव 125 से, पर टेलीस्कोपिक फोक आने से राइड क्वालिटी बहुत ही बढ़िया हो जाती है, स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़िया हो जाती है। व्हील बेस बढ़ा दिया गया है इसका टेलीस्कोपिक सस्पेंशन डालने के बाद, तो आपको स्टेबिलिटी तो और भी बढ़िया मिलने वाली है। खड्डों में अभी हर जगह ये हर जगह क्रैश नहीं होगी, हर खड्डे के अंदर घुसेगी नहीं, ये उसके ऊपर से निकलने की अभी ताकत रखता है। और ये एक बहुत बड़ा बदलाव है एक्टिवा में, एक बहुत ही बड़ा चेंज था जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी था और होंडा ने इस टाइम कर दिखाया है। फीचर्स की बात करें तो एलईडी लाइट आपको टॉप एंड वेरिएंट पे मिलेगी, सीबीएस ब्रेक्स स्टैंडर्ड मिलेंगे, पर बेस वेरिएंट में आपको अभी भी हैलोजन बल्ब मिलेगा। तो अगर आप बजट पे हैं तो आप बेस वेरिएंट ले सकते हैं, इसका हैलोजन लैम्प भी काफ़ी अच्छा ही होना चाहिए जैसे एक्टिवा 4G में हमने देखा था। और एलईडी लाइट्स की बात करें तो 5G के रिव्यू मैंने आपको बताया था कि उसकी एलईडी लाइट्स भी काफ़ी बढ़िया है। ओवरऑल सीटिंग कंफर्ट बाकी सब कुछ सेम होना चाहिए, हम चलाएंगे हम उसके बारे में आपको बताएंगे। बहुत सारे कलर ऑप्शन हैं, येलो कलर भी 6G के साथ आपको मिल रहा है। और प्राइसिंग की बात करें तो इसकी प्राइसिंग अभी 63,000 तक जाती है, तो स्कूटर थोड़ा महंगा तो हो चुका है, 6 से 7 हज़ार का भाव बढ़ चुका है, वो तो एक्सपेक्टेड था। अभी इसमें आपको CBS मिलता है, LED लाइट्स मिलती हैं, फ्यूल इंजेक्शन इंजन मिलता है, माइलेज तो डेफिनेटली बढ़ने वाला है क्योंकि प्रोग्राम फ्यूल इंजेक्शन है होंडा का बहुत ही जाना माना। तो और हर फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम आपको एक कंसिस्टेंट माइलेज देता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों ये वीडियो देखने के लिए, बने रहिए हमारे साथ, लाइक कीजिए, कमेंट्स में कुछ पूछना है पूछिए, शेयर कीजिए ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ, शायद कोई एक्टिवा लेना चाहता है आप उसे वीडियो बता दीजिए, उसका काम आसान हो जाएगा। और बहुत बहुत धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए, नोटिफिकेशन बेल दबाइए, अगला वीडियो इसी हफ्ते आने वाला है। धन्यवाद।